काम करा धीरे धीरे करके अपना बिजनेस बनाए, एक दो फैक्ट्रीज खोली अपनी। अच्छा, नाइकी और रीबॉक की फैक्ट्रीज हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे को ऐसा बंदा कोई कांटेक्ट करे, मतलब अपना नंबर शेयर करे, सर मेरे को बताएंगे, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगी उससे, जो बंदा लॉयल हो। ये नहीं कि टाइम पास करे, मेरी दौलत देख के आ जाए, बेशक से काम ना करता। प्रिया जी, आपने कांटेक्ट किया था सर, मैंने आपको फोन किया था। जी, क्या दिक्कत होगी कि मतलब इतने अचानक से आपको वीडियो बनवाना है, और क्या मतलब बताएंगे सर? दिक्कत तो जो थी पहले थी, अब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पहले ये थी, मैं एक्चुअली कोई है नहीं मेरी फैमिली में, तो रिलेटिव्स के साथ रहती थी मैं। अच्छा, इंसिडेंट कुछ हो गया था फैमिली में, तो मतलब पेरेंट्स नहीं है आपके? फैमिली है ही नहीं, पेरेंट्स ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी 40-45 साल के बुड्ढे से करवा दी थी। कितने टाइम पहले की बात है? वो 3-4 साल पहले की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद से मैं रहना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आप देखिए मेरी एज क्या है। जाहिर सी बात है कि 4-5 साल पहले आपकी एज वही 20-22 साल होगी। जी, 24-25 की हूँ, जो भी है। तो अब उसको फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इस लाइक था नहीं वो किसी चीज में, हर चीज में कमी थी। रईस भी नहीं था, रईस था लेकिन इतना भी नहीं था जितनी मेरे हिसाब से मेरे को चाहिए। फिर उसके बाद मैंने उसको डिवोर्स दिया, सब कुछ करा, फिर भी मेरे पीछे पड़ा रहता था। देन अब कुछ सब कुछ क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए, बताएंगे पूरी डिटेल में? हेल्प मेरे को ये चाहिए सर, जब से उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था, फिर अपना पढ़ी लिखी तो खैर हुई मैं, उसके बाद अपना काम वाम करा धीरे धीरे करके, अपना बिजनेस बनाया, एक दो फैक्ट्रीज खोली अपनी। अच्छा, नाइकी और रीबॉक की फैक्ट्रीज है। एंड पार्लर वगैरह में काम, पार्लर वगैरह भी 2-3 खोल रखे हैं, एक में अपना काम करती भी रहती, मतलब है मेरा अच्छा खासा बिजनेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए सर, जो मैं उसके साथ लॉयल रहूंगी। मुझे शादी के लिए बंदा चाहिए, कोई वैसे नहीं चाहिए, उसके साथ लॉयल रहूंगी, प्लस वो भी मेरे साथ लॉयल रहे। मुझे लॉयल लड़का ऐसा चाहिए जो लॉयल रहे, ये नहीं कि मेरी दौलत को मेरे बिजनेस को देख के वो हो जाए, मतलब मेरी भी रिस्पेक्ट करे, मेरे बिजनेस की नहीं, अपना बिजनेस दूंगी, हैंड ओवर करूंगी मैं उसको कि वो संभालेगा, बाकी सब मेरे हाथ में रहेगा। बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा बंदा चाहते हो जो कि लॉयल हो, और लड़का किस टाइप का होगा आप बताओगे? काला हो, पीला हो, काला गोरा कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बस लॉयल हो बंदा, दिल का अच्छा हो, दिल का अच्छा, दिल का अच्छा हो, लॉयल इंसान हो, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पैसे को देख के पागलपंती है, स्मार्ट भी हो, कोई ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लिल्ली कुंजी चले, क्योंकि मैं आप देख रहा हूँ मैं कैसी कैसी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा तो नहीं लड़का कहीं का मतलब दिल्ली का ही चाहिए, कहीं नहीं, नहीं कहीं का भी हो, कोई इशू कास्ट वास्ट कुछ भी इशू नहीं सर, क्योंकि जब पहले ही घर रिश्तेदारों ने मेरे एक बार सारी अपने रिक्वायरमेंट बता दो, किस टाइप का लड़का चाहिए, ताकि वीडियो में डाल सकूं और लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें मेरी इस आईडी पे, जैसी कॉन्टेक्ट आएंगे तो मैं आपको शेयर करूंगा, तो एक बार सारी शेयर करेंगे, मैं खुद देख के सारी रिक्वायरमेंट एक बार बता दें। तो मुझे एक लड़का चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा लड़का चाहिए जो दिल का अच्छा हो, लॉयल बंदा हो, एज भी हो, मेरी अभी 25 है, तो वही 30 तक का हो, ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए मेरे को, बिकॉज आपको पता है ज्यादा वो भी नहीं चलते, एक को छोड़ ही दिया है मैंने। तो पहले ही बताना चाहूंगी कि भाई मैं ऑलरेडी डिवोर्सी हूँ, कोई इशू ना हो, जिस बंदे को कोई मेरे पास से लेके कोई मतलब ना हो, ना मैं उसके पास से मतलब रखती, बंदा लॉयल हो, जिसको मैं अपना बिजनेस भी हैंड ओवर करूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को उसमें, लेकिन लॉयल बंदा हो, जो ये नहीं कि पैसे लेके मेरी दौलत नाम वाम करवा के भाग जाए, अपनी स्थिति करवा ले, पैसे वाला बंदा चाहिए आपको, काम ना करता, नहीं 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 नहीं, पढ़ा लिखा हो बस, अच्छा खासा हो, पर्सनैलिटी वाइज भी दिमाग हो, लेकिन लॉयल बंदा हो, चूचे लुल्ली पूंजी ना, तभी तो मैं उसको बिजनेस हैंड ओवर करूंगी ना। मतलब आप ये कहूंगी मेरे को ऐसा बंदा कोई कांटेक्ट करे, मतलब अपना नंबर शेयर करे, सर मेरे को बताएंगे, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगी उससे, जो बंदा लॉयल हो, ये नहीं कि टाइम पास करे, मेरी दौलत देख के आ जाए, बेशक से काम ना करता, बस पढ़ा लिखा हो, जो मेरा बिजनेस हैंड ओवर कर ले, मैं उसको इज्जत से भरोसे के साथ उसको अपना बिजनेस हैंड ओवर करूँ, सब कुछ हैंड ओवर करूँ, लॉयल रहे, जो मेरे पास से बिल्कुल मतलब नहीं रहते, क्योंकि मैं किसी के पास तो से ऐसा मतलब नहीं। आपकी फैमिली में कोई हो बाद में आके ऑब्जेक्शन करे? मेरी फैमिली में नहीं है कोई, रिलेटिव से, रिलेटिव से क्या वास्ता रखना मतलब, सर आपके बिजनेस है, सारी चीज वो आपका, सब कुछ मेरे नाम की है सर। आप ये कहना चाहते हो कि शादी के बाद आप अपने हस्बैंड के नाम सारी चीज कर दोगे? नाम तो नहीं करूंगी, मतलब हैंड ओवर कर दूंगी। हाँ मतलब ऐसा कि वो आपका सारा काम संभाल, हाँ, सारा काम संभाल ले, उसकी जो लाइफ है, जो उसकी नीड्स है, वो नीड्स ऑब्वियसली खुद वो पूरी करेगा ही करेगा। बिल्कुल सर, लड़की की फैमिली में उसके घर वाले हो तो उनका भी खास सारा खर्चा, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फैमिली तक को अपने साथ रख लूंगी। मतलब ऐसा नहीं कि लड़का अकेला होना चाहिए, फैमिली हो तब भी चलेगा, फैमिली हो तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन बंदा लॉयल चाहिए मुझे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, जिसकी माँ ने अच्छी तरबियत दी हो, उसे अच्छी सीख दी हो, उसे ये नहीं कि बिल्कुल लुल्ली पुंजी आके आ जाए, 2-3 दिन मेरे साथ सही रहे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पैसों 1-1.5 महीना पहले मैं उस बंदे के साथ रह के देखूंगी, बंदा सही है कि नहीं, ट्रस्टेबल है कि नहीं, उसके बाद ही मैं उससे शादी वगैरह कुछ करूंगा। तो आप लोगों ने प्रिया जी की रिक्वायरमेंट सुनी कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, लड़का बस इतना हो कि लॉयल हो और पढ़ा लिखा हो, ताकि इनके काम को संभाल सके, इनको संभाल सके, और जाहिर सी बात है यार इनको फैमिली की नीड है, तो लड़के की फैमिली भी होगी तो इनको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना सर, कोई दिक्कत नहीं, तो लड़के की फैमिली से भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, लड़का गरीब हो पैसे ना हो तभी चलेगा,
बाकी सारी चीज प्रिया जी खुद बता देंगे। अगर आपको कुछ बताना है प्रिया जी आप बता दीजिए, बाकी नहीं। सर मैंने आपको बोली दिया कि बंदा बस तो लॉयल चाहिए, फैमिली वाला भी कोई इशू नहीं, पूरी फैमिली का खर्चा क्या, तो मेरे साथ ही रहेगी तो खर्चा वो खुद ही उठाएंगे अपना अपना जो चाहिए। जैसे क्या बता रहे हो कि आप डाइवोर्सी हो, अगर कोई डाइवोर्सी हो तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने पास से मेरे पास से कोई वास्ता भी ना रखे ना मुझे बताए। देखिए प्रिया जी बता दे, पहले बता दे, कहीं ऐसा ना कल को बात की उसकी बीवी अगर डिवोर्सी मिले तो आके मेरी ऐसी कर दे फिर मैं उसकी रेड मार दूँ। नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर रिलेशन में आ रहे तो किसी के पास से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके पास में वो था ना उसके पास में आप, बिल्कुल जो था था, बात खत्म। पास से मतलब तो वैसे कोई फायदा नहीं, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की सोचो, बस बात खत्म। तो जो भी गाइस जिनसे शादी करना चाहता है या जो भी इंटरेस्टेड लगता है कि हाँ प्रिया जी से शादी कर सकता है, बाकी पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। नीचे मैं अपनी इंस्टा आईडी डाल दूंगा, उस पे आप अपनी फोटो एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपनी शेयर कर दीजिए ताकि मैं प्रिया जी तक पहुंचा दूं और जल्दी जल्दी इनको जो अपना जीवन साथी चाहिए, जैसा लड़का ये ढूंढ रही है तो हम यही कोशिश करेंगे कि इनको वो लड़का जल्दी से जल्दी मिले। बाकी प्रिया जी जैसे ही हमारे पास कॉन्टेक्ट आते हैं, जो भी चीज आती है हम आपसे शेयर करते हैं। बाकी आप भी वीडियो देखते रहोगे, आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे जो आपको समझ आए, देन फिर हम मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके।